तो हमने पूरी जिंदगी पैसे जमा किए है और पैसे जमा करने के बाद आज उनकी एवरेज पेंशन है 1171 रुपया। आप कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लोग दो लोग जिए इसमें, अपनी मेडिकल भी देखें, अपनी फैसिलिटी भी देखें, कुछ कम से कम दवाई खरीदें। मतलब यही एक तबका ऐसा है पूरे भारत में जिसने अंशदान किया है पहले से 1995 से पेंशन के लिए, तो इनको पेंशन कम। और एमपी एमएलए जिसने दिल्ली का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया उसको तीन तीन चार चार पेंशन है। अब उसके बाद पुलिस के कुत्तों को 3000 पेंशन है, थर्ड जेंडर को पेंशन है, तो ये सबको पेंशन है। और जिन्होंने पैसे भरे हैं वो जब बूढ़े होते हैं तो उनको पेंशन नहीं, ये कहाँ का न्याय है भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम दो बार मिले, दो बार हम प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं हमें आश्वासन दिए, अब उसके बावजूद ये नहीं हो रहा है, ये देश के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है और हमारे लिए तो कष्टदायक है। अभी हम या तो जीतेंगे या मरेंगे नारा, लेकिन आज 60 साल से ऊपर के आदमी अगर ठोकरे खा के जी रहे हैं अपना पैसा देने के बावजूद, तो इसको तो बदलना पड़ेगा। सरकार जिस तरीके से लगातार पेंशन खत्म करती जा रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब रेलवे में भी जो है जो बुजुर्ग आदमी को मिलने वाली जो सुविधा थी, कंसेशन था, वो भी ख़त्म कर दिया है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनको पेंशन मिलती थी लेकिन अब नहीं मिल रही है। सर क्या मामला है पूरा, और किस तरीके से जो आपको पेंशन मिलती थी नहीं मिल रही है उसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ये पूरा जो मामला है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मामला है, प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे सरकारी, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, ये सारा उन इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मामला है। इन वर्कर्स ने पूरे जिंदगी अपने पैसे भरे हैं, पूरी जिंदगी हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं, और वो पेंशन का फंड बनता है ईपीएफओ के पास। अब वो इतना बड़ा फंड है कि आज की तारीख में 6.5 लाख करोड़ उसमें है, और इनको एवरेज पेंशन मिलती है 1171। अगर कोई आदमी 35 साल 30 साल 541 रुपये भरेगा पूरी ज़िंदगी और उसको 1100 रुपये पेंशन देंगे, मतलब अगर मैं आरडी में भी डालता तो कितने पैसे हो जाते मेरे। तो ये लोग आप लोगों के कटते थे, जमा करते थे? हाँ जी। अच्छा, तो हमने पूरी ज़िंदगी पैसे जमा किए है और पैसे जमा करने के बाद आज उनकी एवरेज पेंशन है 1171 रुपया। 23 लाख लोगों को 70 लाख लोगों में से 1000 के नीचे पेंशन है, 1000 रुपये से नीचे। आप कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लोग दो लोग जिए इसमें, अपनी मेडिकल भी देखें, अपनी फैसिलिटी भी देखें, कुछ कम से कम दवाई खरीदें 1171 में? तो ये मामला है, जबकि इन्होंने पूरे, मतलब यही एक तबका ऐसा है पूरे भारत में जिसने अंशदान किया है पहले से 1995 से पेंशन के लिए, तो इनको पेंशन कम, बिल्कुल कम, मतलब ना के बराबर। और एमपी एमएलए जिसने दिल्ली का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया उसको तीन तीन चार चार पेंशन है। हाँ, वृद्धापकाल की पेंशन हरियाणा में 2500 है, तो बूढ़ा बूढ़ी लेके 5000 ले जाते हैं, उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको तो दोगे ना आप, कम से कम हमारे पैसों का हिसाब तो दोगे, वो भी नहीं। अब उसके बाद पुलिस के कुत्तों को 3000 पेंशन है, थर्ड जेंडर को पेंशन है, तो ये सबको पेंशन है। और जिन्होंने पैसे भरे हैं वो जब बूढ़े होते हैं तो उनको पेंशन नहीं, ये कहाँ का न्याय है भाई। और देखिए सरकार का न्याय कि एक तरफ तो श्रमयोगी मानधन योजना जो सरकार अभी चला रही है उसमें सरकार का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसमें अगर मैं 100 रुपये भरूँ तो 30 साल बाद मेरे को 3000 रुपये पेंशन है, तो फिर जिन्होंने 541 भरे उनको कितने होने चाहिए? ये सीधा हिसाब भी नहीं कर सकते आप, उसमें तुलना तो करो। तो सरकार उसमें 100% देती है, जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम उसमें सरकार 14% देती है, और जो हमारी ईपीएस 95 स्कीम है जो पूरे भारत के जो कामगार है इंडस्ट्रियल वर्कर्स उनकी पेंशन, मतलब उसमें पब्लिक सेक्टर आए प्राइवेट सेक्टर आए सब उद्योग, रोडवेज, कॉपरेटिव सेक्टर, शुगर फैक्ट्री सभी, अब इन लोगों को पेंशनें जो मिलती है वो इतनी कम है। तो ये यहाँ पर सरकार का कंट्रीब्यूशन 1.16 है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मतलब ये जो बड़े अफसर हैं
तो कोई पेंशन का स्टडी करने के लिए अमेरिका जाएगा 2 महीने, वो ये उसमें से पैसे लेके जाएगा वो, और यहाँ जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया उनका पेंशन ही नहीं, ये मामला है। तो बाकी स्कीम में अगर सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इस स्कीम में क्यों नहीं है? तो सर ये क्या दो इससे पहले मिलती थी, कब से मिलनी बंद? ये पेंशन इतनी ही मिलती है शुरू से ही। इसमें प्रावधान तो बहुत अच्छे थे, एक एक प्रावधान निकाला गया। 1995 में उन्होंने प्रॉमिस किया था जब स्कीम आई कि आप अगर इसमें कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। दूसरी बात, उन्होंने 7 जनवरी 1996 में पूरे लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो इस पेंशन का कंट्रीब्यूटर बनेगा उसको अगर 33 साल सर्विस करेगा तो 27,000 पेंशन मिलेगी, वो मरेगा तो बीवी को 27,000 मिलेगी, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रीब्यूटरी है ना, हमारा जो फंड बनता है वो इन्वेस्ट करके जो आप ब्याज कमाते हैं उसके ऊपर आपको देना है, और दोनों मरने के बाद उसके वारिस को नेक्स्ट ऑफ किन को 27 लाख रुपए मिलेंगे। ये इतने बड़े बड़े वादे करके और फिर आज 1171 रुपए एवरेज दे रहे, तो मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट है कि चिटफंड है, आप मुझे बताइए। लेकिन सरकार अब कह रही है कि राजस्व जो है कंगाल हो चुका है, हमारे पास पैसा नहीं। हम सरकार को कहाँ मांग रहे भाई, हमारे 6.5 लाख करोड़ उनके पेंशन फंड में है, हमारे जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, हर साल 90,000 करोड़ उसमें कंट्रीब्यूशन आता है, और हर साल कम से कम 60 से 65,000 करोड़ उसमें ब्याज आता है। तो हम अगर वो चाहते तो हमारे सिर्फ ब्याज में से ही हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है। क्या लगता है सर आपको क्यों, क्योंकि जबकि ये आप ही का पैसा है, आपसे लिया गया कॉन्ट्रीब्यूट स्कीम है, उसके बावजूद भी आपको नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? एक तरफ जो अमीर आदमी है वो अमीर होता जा रहा है। देखिए, इस मामले में हमने सभी सांसदों को देश के कम से कम 7 बार निवेदन दे चुके हैं, 50 सांसदों ने इसको संसद में उठाया भी है, 250 सांसदों ने हमें सपोर्टिंग लेटर दिया है, 18 बार हम कम से कम श्रम मंत्री से मिले हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए, वित्त मंत्री से मिले, वित्त सचिव से 1.5 घंटा हमारी मुलाकात होकर इस पर चर्चा हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम 2 बार मिले, 2 बार हम प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं हमें आश्वासन दिए, अब उसके बावजूद ये नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसका कारण सुस्त ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी एकदम इस देश की इनसेंसिटिव है, जो अंग्रेज बना के गए थे उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब वो अभी तक ये समझते हैं कि वो शासक है और हम शासित, तो ये जो उनका प्रशासन का या ब्यूरोक्रेसी का जो ये रवैया है इसकी वजह से ये हो रहा है। पॉलिटिशियंस टेम्पररी होते हैं, आते हैं जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट सरकार है जो बिल्कुल इनसेंसिटिव है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2 बार आश्वासन दिए तो ये यंत्रणा तो हिलनी चाहिए, उसमें तो हलचल होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा दुख है। इसलिए आज सर पीएम के बारे में कहा जाता है, उन्होंने तो बहुत से वादे किए थे, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 2022 में, अगस्त 2022 में जब हम 75वीं वर्षगांठ बनाएंगे आज़ादी की, तो हर भारतीय का पक्का मकान होगा, ये मेरा सपना है। उनके मतलब बोलने में और करने में फर्क है? नहीं, देखिए, हम लोग, हमारा जो संगठन है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, हम एक सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे हमें भरोसा है। भरोसा इसलिए कि उन्होंने खुद बुला के हमें आश्वासन दिया है, हमसे उनको कोई डर तो था नहीं, हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या हमसे वो झूठ बोले। प्रश्न ये है कि उन्होंने बोलने के बावजूद और बहुत सहृदयता से, उन्होंने बहुत मतलब नम्रता से, सहृदयता से, उनकी आंखों में नमी थी जब करुणा से उन्होंने कहा है, तो इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत है, जो दुरुस्त होना चाहिए। और हम तो ये मानते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज देश के बहुत स्ट्रांग प्रधानमंत्री है, वो ब्यूरोक्रेसी को लात मार के सीधा करें, जो लोग इतने लोगों का जो काम नहीं हो रहा है वो केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं हो रहा है। नहीं तो सर, अब तो 8 साल हो चुके हैं, सुधार तो आना चाहिए था। नहीं, सरकार को आए हुए 8 साल हो चुके हैं तकरीबन 2014 से, तो अब तो ब्यूरोक्रेसी में चेंज आना चाहिए था, इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं। हाँ, आना चाहिए अभी भी, और हमारा काम होना चाहिए, हमें यह एक काम से मतलब है,
बाकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स वाले जाने, हम जनहित का काम कर रहे हैं, मानवता का काम है इसमें। कोई अभी ये सभी लोग जो है, कोई बीजेपी के पार्टी से होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई कम्युनिस्ट होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ पेंशन के मुद्दे पे अपने ज़रूरत पे एकत्र आए हैं और हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझे। अगर नहीं सुलझता है फिर आगे क्या कदम होगा? आज आप देख रहे हैं देश के स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह है, उस मौके पे आज 75 आदमी अनशन पे बैठे हैं, उनकी औसत उम्र 75 साल है। ये देश के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है और हमारे लिए तो कष्टदायक है। अभी हम या तो जीतेंगे या मरेंगे नारा। लेकिन सर आप एक बात बताइए, एक तरफ ये हालात है कि 75 वर्ष के बुजुर्गों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है जी, वहीं दूसरी तरफ आप जो इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश चला रहे, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मजबूत प्रधानमंत्री है, तो इसको कैसे चलेगा ऐसे? नहीं देखिए, गाली देने से तो थोड़ी काम होगा हमारा, और वैसे भी हम राजनीति में है ही नहीं, तो हमने ये देखा है कि उन्होंने खुद बुला के हमको बोला कि मैं ये काम करूँगा। काम होने में देरी हो रही है ये बात सच है, क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेटिक डिले है, श्रम मंत्री इन्वॉल्व है, उसमें वित्त मंत्री इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेसी तो नेताओं का ऑर्डर मानती है ना, मंत्रालय अगर लिख के दे देगा तो वो तो कर दे। सुनिए सर, ये जो फंड है, ये फंड का एक ट्रस्ट होता है जो है CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसमें 43 मेंबर होते हैं, श्रम मंत्री उसका प्रेसिडेंट है, VPFO उसका सेक्रेटरी है, और उसमें सभी मालिकों के रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार के है, और 10 लोग कामगारों के रिप्रेजेंटेटिव है जो कामगार यूनियनों से जाते हैं। उसमें 3 इंटक के हैं, 3 BMS के हैं, 3 कम्युनिस्टों के हैं, 1 HMS का है। अब 2008 में इन CBT ने निर्णय लिया कि इन्होंने जमा किया हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, ये निर्णय ले लिया एक तरफा। और हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे यूनियनों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है 10 लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने वॉकआउट नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने मतलब हम अपने ही जब हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं तो हम किसको क्या दोष दें? हम अपने बूढ़े लोग अभी एक यूनियन मतलब साथ में आके अपना हक मांग रहे हैं, और हमें आशा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला है तो हमें आशा है। होगा कब? मैं चाहता हूँ ये 15 अगस्त तक होना चाहिए। नहीं सर, अगर प्रधानमंत्री एक लेटर लिख के दे देते श्रम मंत्रालय को, तो उसके बावजूद भी क्या उनको उनका कोई ऑर्डर रोक पाएगा क्या? क्या लगता है आप? देखिए, इंटरनल उनकी मीटिंगें हो चुकी होगी, CBT की मीटिंग हो चुकी है, और भी कुछ अच्छे संकेत है, मिलना चाहिए, मिलेगा, ये हमारे संकेत है। और अगर नहीं मिलेगा तो हम तो मरने को तैयार है, हमने डिसाइड कर लिया है, हम सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, हम लड़ते लड़ते मरेंगे, अपने हक के लिए लड़के मरेंगे, स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये देश अपना इतना पुराना देश है, इसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो की संस्कृति है। लेकिन आज 60 साल से ऊपर के आदमी अगर ठोकरे खा के जी रहे हैं अपना पैसा देने के बावजूद, तो इसको तो बदलना पड़ेगा। और जब तक, हमने वित्त मंत्री से भी कहा था कि जब तक आप बुज़ुर्गों को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करोगे, आपकी संस्कृति भाषण से नहीं सुधरेगी। जब बूढ़े आदमी के साथ बुजुर्ग के हाथ में 10,000 रुपये महीने के आए घर में 10-15, तो बेटा भी बाबा कहेगा उसको, नहीं तो नहीं कहेगा। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हर जो भारतीय है वो अपनी DP तिरंगे की लगाए, ठीक है, आज़ादी का महोत्सव है, लोग हर किसी के दिल में देशभक्ति है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संसद से कुछ दूरी पर 75 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने ही पैसे के लिए, जो उन्होंने जमा किया था कभी, अपने ही पैसे के लिए आज वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री देशभक्ति के नाम पर देशभक्ति की चाशनी चटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है, जो बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनकी पेंशन रोकी जा रही है, वहीं जो अग्निपथ स्कीम जैसी लाकर सेना में भी जो पेंशन मिलती थी उसको भी रोकने की कोशिश हो रही, तो लगातार जो है आम नागरिकों का तेल निकलता जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनित आवाज़, दिल्ली।